हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वोट के तकद्दस के लिए और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ विदाउट एनी प्री कंडीशंस। पार्लियामेंट्री पार्टी को एम्पावर किया है कि उनसे आप रब्ता कर लें, मगर आई एम इन नो मूड टू एंगेज विद देम एट द मोमेंट। सेनेट से पीपल्स पार्टी के सेनेटर आते ही नहीं है और ये आईनी तरमीम और मौखर हो जाती है तो जिम्मेदारी इलेक्शन अगर डिले हुआ तो पीपल्स पार्टी पर और पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी पर आई होगी। मेरा और नवाज शरीफ का मुआवजना करना ऐसे ही है कि मेरा मुआवजना सुल्ताना डाकू से करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आज फिर हाफिजाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया। दिन में इमरान खान कह रहे थे कि उनका मुआवजना मियाँ नवाज शरीफ से मत किया जाए। मियां नवाज शरीफ से उनका मुआवजना करना ऐसे है जैसे सुल्ताना डाकू से मुआवजना किया जाए। ऊपर से ख्वाजा साद रफीक बोले, इमरान खान पावर के हसूल के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर सकते हैं। आज इमरान खान का जलसा, फिर पीर को मानसेरा में जलसा, मियां नवाज शरीफ ने एबटाबाद में जलसा किया, 2 तारीख को वो क्वेटा में जलसा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी 5 को जलसा कर रही है इस्लामाबाद में, फिर 15 को और जलसा करना है। जलसों का मकसद ये होता है कि इलेक्शन के लिए अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को मोटिवेट किया जाए, लेकिन हलका बंदियों का आईनी तरमीम पास नहीं हो रही तो फिर इलेक्शन कैसे, इलेक्शन की तैयारी कैसे। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद मसलसल बंद है, रावलपिंडी मसलसल बंद है। अदालत ने आज फिर कह दिया कि 3 रोज के अंदर अंदर धरना वालों को शिफ्ट किया जाए। अत के वजीर दाखला को एक नोटिस भी तौहीन अदालत का जारी कर दिया, लेकिन हालात अभी ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये आज के हमारे मौजूदात हैं। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, पीटीआई से आपने वक्त दिया। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपने वक्त दिया और जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा। शिबली फराज साहब, सियासत में इख्तलाफात हैं लेकिन मियां नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान कहते हैं कि मेरा मुआवजना न करें, ये तो ऐसे होगा जैसे सुल्ताना डाकू से मुआवजना करना है। देखिए, बात यह है कि ये जब केसेस पनामा केस आया और उसमें हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक जदोजहद का आगाज़ किया, तो उसके बाद इन्होंने जवाबी कार्रवाई के तौर पे हमारे लीडर्स पे केसेस कर दिए, जिसमें कि इमरान खान, जहांगीर तरीन और कुछ और इस तरह के लीडर्स पे केस कर दिए। मकसद उन केसेस का ये था कि एक तो ये तासुर पैदा करना कि जो नवाज शरीफ ने किया है तो वही इमरान खान पर भी उसी तरह के केसेस हैं, तो ये तासुर देने के लिए इन्होंने ये केसेस इनिशिएट किए। और ये बनी गाला जमीन का और पैसों के आने का, हाँ, ये सारे जो है अभी तक जो इनकी 4 साल की हुकूमत थी उसमें उनको याद नहीं आया था, लेकिन अचानक उनको ये सारी चीजें याद आ गई और फिर कोर्ट में टिट फॉर टैट के मकसद ये था कि ये तासुर पैदा करना कि जी केसेस अगर मेरे खिलाफ है तो आपके खिलाफ भी है, तो बुनियादी उसका जो, लेकिन उन केसेस को बनाया गया इसलिए। और फिर जो जब वो खान साहब कहते हैं कि मेरा साथ मुआवजा नहीं किया जाए, उसकी बुनियादी आर्गूमेंट ये, यहां पे एक शख्स है नवाज शरीफ के सूरत में जो कि इस मुल्क में पिछले 30 साल से इख्तदार में हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलता था और उसने अपनी पैसे कमाए, एक ने पैसे लाए और दूसरे ने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वो पैसे मुल्क के जो पैसे थे वो बाहर भेजे, तो इसलिए कहते हैं कि मुआवजना ना किया इसलिए वो कहते हैं कि मेरे साथ मियां साहब वजाहत कर दी सेनेटर शिबली फराज साहब ने। इमरान खान ने जो सुबह कहा, उन्होंने कहा कि मेरा मुआवजना नवाज शरीफ के साथ करना ऐसे है जैसे सुल्ताना डाकू के साथ मुआवजना किया जाए, इन्होंने वजाहत कर दी, क्या कहेंगे आप?
मैं गुजारिश कर दूं प्राजा साहब, मैं वो बात तो नहीं करना चाहता जो जिस अंदाज में और जिन अल्फाज में इमरान खान ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि वाकयातन इनका मुआवजना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो पार्लियामेंट को गालियां दी, इन्होंने अरकान असेंबली को बेशर्म और पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाजा, इन्होंने तो पार्टी अकाब गुफ्तगु की, वो भी सबके सामने है। मगर इसके बावजूद ये बात कहूंगा कि देखें, नवाज शरीफ साहब का तो कंघाला जा रहा है, उनके बिजनेस को देखा जाए 70 साल के को, कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं ऐसा जो ये प्रूफ कर सके। इसके बावजूद डाकू, चोर, पता नहीं क्या क्या जो इनके मुंह में आता है वो कह देते हैं, हम इसके बावजूद ये कहने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये जरूर कहेंगे कि एक 70 साल से काम कर रहा है उसका तो एहतसाब हो रहा है, और जिसने सारी जिंदगी कोई कारोबार नहीं किया उसका कोई एहतसाब नहीं। मुआवजना तो वाकई नहीं किया जाना चाहिए, मुआवजना इसलिए भी नहीं किया जाना चाहिए कि एक बंदे के पास पैसा है उसका जरूर एहतसाब किया जाए, और एक के पास पैसा ही कोई नहीं है तो उसका एहतसाब कैसा। हाँ, ये लग्जरी लाइफ जो गुजार रहे हैं मासूफ, ये किन पैसों से गुजार रहे हैं? ये जो बनी काला का घर है, अगर इसके मतलब कोई सवाल उठाया जाए, ये तो ट्रेन दे दी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मियां साहब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना सारे। अगर आज अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और 18 दफा अपना मौकफ बदला है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे ना। हम तो ये कहते हैं कि जो पैमाना हमारे लिए था वही पैमाना जो है इमरान खान के लिए होना चाहिए। हम तो इसके बावजूद मैं ये कहता हूं बतौर सियासी कारकुन के, ये मैं कई दफा ये बात कह चुका हूं, हम ये समझते हैं कि किसी कौमी लीडर को, कौमी जमात को नहीं टूटना चाहिए, कमजोर नहीं करना चाहिए किसी लीडर को, कोई हक नहीं किसी को कि उसको अलग कर दिया जाए। मगर इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आना चाहिए क्योंकि एक कौमी लीडर हैं। मियां साहब तो फिर रुकिएगा एक मिनट, अगर आप कहते हैं कि उनके खिलाफ आना चाहिए तो पिटीशन विदड्रॉ कर लें, फिर क्यों पिटीशन हनीफ अब्बासी साहब जाके वहां केस लड़ते हैं? प्राचा साहब, यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जाती राय और तमाम सियासी कारकुनों की राय यही है कि किसी जमात के लीडर को नाहल किसी अदारे से करवाना ये मुनासिब नहीं। अवाम नाहल किया करते हैं, लेकिन क्योंकि एक फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आ गया, अब जो आ गया है तो सेम केस इमरान खान का भी पड़ा हुआ है, फिर पैमाना वही होना चाहिए, ये हमारा मौकफ है। नहीं क्या कहेंगे, गुड स्पिरिट में एज अ पॉलिटिकल वर्कर उन्होंने कहा है, गुड स्पिरिट में कहा, उन्होंने जो बातें की हैं जिसमें उन्होंने कहा एक तरफ के सारी रहा है, दूसरा सारी उम्र कुछ नहीं करता रहा, मेरा ख्याल है कि ये तो इनको करेक्ट करना चाहिए कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, उन्होंने पैसा कमाया, काउंटी क्रिकेट खेल के कमाया, पाकिस्तान के लिए खेल के कमाया, और वही बचत से उन्होंने अपार्टमेंट लिए और वही पैसे फिर पाकिस्तान ला के इन्वेस्ट किए। अब दूसरी बात आती है कि ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है तो ये केस नहीं होना चाहिए, और ये बुनियादी तौर पर -1 या -2 जो इस किस्म की बातें होती हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखें जी, हम एक सियासी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हम नहीं चाहते कि सियासी पार्टियों में जो भी सरबराहन है, जो भी पार्टी में लीडरशिप है, कोई भी हो उसका, अगर वो एक जिम्मेदार पोजीशन पे है और अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर वो बजाय इसके कि अवाम की खिदमत करने के वो अपने खिदमत कर रहा है, अपने ख़ानदान की, अपने दोस्तों की, अपने सियासी जो हवारी हैं उनकी खिदमत कर रहा है मुल्क की कीमत पर, तो उसकी तो इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज सिर्फ वो करके हम सब सियासी कम्युनिटी क्यों बदनाम हुई है, वो इसी किस्म के लोगों की वजह से हुई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी किसी तरह से भी किसी को अलहदा नहीं करना चाहिए और किसी को जो है तो वो ना माइनस करना चाहिए, और ये अवाम वो करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, फिर इनसे ये सवाल पूछते हैं मियाँ साहब से कि फिर जो अल्ताफ हुसैन ने जो किया तो उसको भी फिर नहीं करना चाहिए, अवाम एहतसाब करें उधर MQM है कराची में। और मैं मियां साहब से आपका सवाल पूछता हूं। नाज़रीन, सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, आज इमरान खान कह रहे थे कि नवाज शरीफ का मेरे साथ मुआवजना
करना ऐसे है जैसे सुल्ताना डाकू के साथ। ये सियासी लीडरशिप के बारे में एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें होती रहती है। मैं बुनियादी नुक्ता दो मेहमानों के सामने रखा है, आपके सामने भी रखना चाहता हूं, ये दुरुस्त है इस तरह की बातें करना? देखिए जी, अपोनेंट्स का क्रिटिसिज्म होता है, होना भी चाहिए भी है, और जब राइवलरी हो पॉलिटिक्स में तो, लेकिन तहजीब को हाथ से नहीं जाना चाहिए और मुहज़्ज़ब तरीके से ही क्रिटिसिज्म होता है वो होना चाहिए। और बुनियादी बात टॉलरेंस की है, सियासत में बर्दाश्त की बात है, टॉलरेंस की बात है, और टॉलरेंस भी होनी चाहिए। और कंपैरिजन क्योंकि इट इज बिटवीन मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, आप सीनियर सियासतदान हैं, मुतअद्दिद बार आप कायम मकाम सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, मैं बिल्कुल सिंपली आपके सामने ये बात रखी इसलिए कि एक सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से कुछ आप हमें गाइड कर सकें कि ये हो क्या रहा है फिर पॉलिटिक्स में। देखें, बात ये है कि एक तो तरीका होता है कि टू बी पेड इन द सेम कॉइन, एक ये रवैया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यूटी से नहीं रहा, और ये कंटिन्यूटी रहती थी शायद चीज़ें ज़्यादा रिफाइन हो जाती, लेकिन अब क्योंकि ये सेकेंड टर्म जा रही है, कंप्लीट हो रही है एक पोलिटिकल प्रोसेस की, तो चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी और होती रहती भी, और इवन फिर ये पाकिस्तान में नहीं है एक्विजिशन और एलिगेशन, इवन आप यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि जिस किस्म की गुफ्तगू ट्रंप करते रहे और जो करते हैं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप और अपोनेंट्स करते रहे, लेकिन तहजीब और मतलब मुहज़्ज़ब तरीके से ही सियासत करनी चाहिए, मैं तो इस चीज का कायल हूँ। और अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है तो और सर्टन फैक्ट्स करें और रियलिटीज करें तो आप, अच्छी बात है, अगर किसी की मिस डीड्स हैं तो उसकी मिस डीड्स को आप बेशक को उजागर करें, उन पर क्रिटिसाइज करें, अवामनास को आगाह करें कि इनका कंडक्ट क्या है, इनका करेक्टर क्या है। ऑब्वियसली वो अगर किसी के खिलाफ एक्विजिशन है और बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग है तो अवामनास को उसके इल्म में लाना कोई बुरी बात नहीं। इसी नुक्ते पर रहेगा नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं नुकात को मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान ने हाफिजाबाद में फिर एक बड़ा शो लगाया। मियां साहब, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो आपकी बात रह गई, मुझे ब्रेक लेना पड़ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी से आपकी क्यादत मिलना चाह रही है, पीपल्स पार्टी नहीं मिल रही, हल्का बंदियों का मामला अपनी जगह पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा क्लू दे दिया, उन्होंने कहा कि हमारी पार्लिमानी क्यादत है, मियां साहब उनसे बात करें, वजीर आजम उनसे बात करें, अभी हम नहीं बात करेंगे उनसे। देखें प्राचा साहब, पीपल्स पार्टी से कोई हम इंतहाबी इतिहाद नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी फेवर नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग अगर कोई मुश्किल में है तो उससे निकाला जाए। हम तो ये कह रहे हैं जो आप खुद बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन का बिल जो है वो सेनेट में पड़ा है और कोई जवाब हम देना नहीं चाहते कि कोई किसी को ये जवाब मिल जाए कि उसको बुनियाद बनाकर इंतखाबात को डिले किया जा सके। हम तो ये कहते हैं कि सेनेट में जो बिल पड़ा हुआ है, अगर ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं इनका तभी फायदा होगा और अगर इंतखाबात वक्त पे हो गए। अगर हम निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, निज़ाम को चलना देना चाहते हैं तो फिर इस बिल को तो पास करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मुस्लिम लीग का बिल तो नहीं है, ये तो पूरी जो पार्लियामेंट पर बिलीव करते हैं, इस निज़ाम पर बिलीव करते हैं, सबके लिए है इस हद तक। लेकिन हम पीपल्स पार्टी में से उस पीपल्स पार्टी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, जो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने हकायक ये हैं कि उन्होंने जद्दोजहद की इस निजाम के लिए, मुश्किलात सही इस निजाम के लिए। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि हम भी मुस्लिम लीग में कायद आजम जैसे लीडर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगर ये ढूंढ रहे हैं ना
तो इनको जरूर इंशाल्लाह मिल जाएंगे नवाज शरीफ की शक्ल में, इसलिए कि ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान में अमन के लिए और दुनिया का दबाव सहने के बावजूद पाकिस्तान में एटमी तजर्बा किया, सी पैक मनसूबा शुरू किया। ये इनको मिल जाएंगे अगर ये प्रॉपर सही ढूंढने की ख्वाहिश कोशिश करेंगे तो नवाज शरीफ की शक्ल में। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को ख्वाहिश के मुताबिक कंधा देने की कोशिश करेंगे उन कुवतों को जो इस निजाम को मजबूत देखना नहीं चाहती, जो पार्लियामानी निजाम को बेहतर नहीं समझती, जो पार्लियामानी निजाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर तसव्वुर नहीं करती, आज तक दिल से कबूल नहीं करती। इधर ही रुकिएगा जी, बड़ी बात आपने कर दी मियां साहब, इधर ही रुकिएगा जी। कंधा आप दे रहे हैं उन कुवतों को जो पाकिस्तान में पार्लियामानी निजाम नहीं चाहती। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक जदोजहद है जो कि 20 साल से ज्यादा अरसे पे मुहित है, और इस दौरान में जिसमें पहली गुफ्तगू के पहले सेगमेंट में कहा गया, मियां साहब ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये जमहूरी निज़ाम मजबूत हो और हम किसी के साथ मिलके और हम हुकूमत में आना चाहते हैं। तो ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, अगर यही काम हमने करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते, 21 साल तक जदोजहद ना करते खान साहब और जो पार्टी के जो बाकी दोस्त थे। दूसरी बात यह है कि हमें क्यों कंधा चाहिए। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजल से जो पैगाम है, जो उस तब्दीली का, उस सोच का, वो जो कह रहे हैं आप कंधा दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम क्यों कंधा देंगे जबकि हम अल्लाह ताला के फजल से खुद कफील हैं। आप हमारे जलसे देखें, आप हमारी जो पजीराई मिलती है खान साहब को, हमारे जलसों को आप देखें, और हमारी जितनी भी इस वक्त हमारी जो सियासी एक जदोजहद है वो तो साफ नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन जीतेगी। तो ना हम इलेक्शन के मुखालिफ हैं और ना हम किसी और की हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज हम किसी और के लिए काम क्यों करेंगे जबकि इसकी जदोजहद हमने की है। ठीक है, तो ये तो इनके अपने जो करतूत थे, जो अपने इनके वो जिन चीजों का इन्होंने जिक्र किया, ये तो उन 300 अरब रुपए में मेरा प्राचा साहब ये हुआ है कि काश जिस तरह के मियां साहब यानी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली, जिस तरह से उनकी कारोबार ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, अगर उसका 5% हिस्सा भी वही पाकिस्तान के लोग तरक्की करते, पाकिस्तान तरक्की करता, तो आज हम, आज पाकिस्तान के अवाम खड़े होते नवाज शरीफ के पीछे। नुक्ते पर रहेगा बुखारी साहब, हल्का प्राचा साहब जी, जी एक सेकंड, एक सेकंड प्राचा साहब जी जी, मैं गुजारिश कर लूं, शिबली फराज साहब ने पहले भी ये बात की, अब दोबारा ये दोहराई है। एक तो मैं समझता हूं कि ये करतूतें, ये ऐसे अल्फाज का चुनाव करते वक्त हमें सोचना चाहिए किसके मतलब कह रहे हैं। दूसरा ये मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि नवाज शरीफ वही हैं जो हुकूमत में आने से पहले जिनका बिजनेस इस खत्ते में कितना डेवलप था, ये भी सबके सामने ये बिल्कुल नहीं है। अब आज जो मसूब बात करते हैं आज की कि इमरान खान से मुआवजा, 22 खानदानों में इनका नाम था, आप मुझे 60 की बात बता दें, 22 खानदानों में इनका नाम था, आप मुझे बता देना, 22 खानदान थे अयूब खान के जमाने में, उसमें इनका नाम कहीं था। लेना ना मुझे मौका तो देना, मियां साहब इधर ही रुकिए, इधर ही रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, मियां साहब की आपने बात सुनी हल्का बंदियों के हवाले से, मैं तो खैर क्वेश्चन करना चाह रहा था धरने के बारे में, क्योंकि आप तो यहां इस्लामाबाद से इलेक्टेड मेंबर भी रहे हैं कौमी असेंबली के, सेनेटर भी रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हल्का बंदियों वाली। इमरान खान भी इलेक्शन चाह रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ भी जलसे कर रहे हैं, इलेक्शन चाह रहे हैं, आपकी पार्टी की जमहूरियत के साथ एक कमिटमेंट रही है। अगर ये आईनी तरमीम पास नहीं होती तो यकीन करें जो एक खतरात हैं, मैं उन्हीं को दोहराऊंगा, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। आपकी तरफ से ना ही समझी जाए कि आप वोट नहीं कर रहे सेनेट में। साहब पहली बात तो मियां साहब ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी को ढूंढ रहे हैं, जो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी थी और मोहतरमा की थी, ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चले, इनको एहसास हो गया, अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने इनके साथ इन गुड इंटेंशन से किया, लेकिन इनका कंडक्ट उसके बाद क्या रहा पब्लिक के सामने, मैं उसको डिस्कस नहीं करता। रहा मामला वोट करने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में वोट किया,
पीपल्स पार्टी करने चाहती कि इलेक्शन डिले, लेकिन इन हुक्मरानों को और बिल्कुल उस मियां साहब को भी मैं गुजारिश करता हूं कि नेशनल असेंबली की जो कंपोजिशन है वहां पे प्रोविंसेस की डिस्पैरिटी है। खाली 148 सीटें 272 में से पंजाब की आ जाती हैं और इस्लामाबाद को मिला लो तो 150 हो जाती है, लेकिन जो हाउस ऑफ फेडरेशन है जो 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 टेंशन थी अपर हाउस बनाने का के इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ये आज रियलाइज नहीं कर रहे मियां साहब कि अपने अलाइज जो है 8 सेनेटर है फाटा से वो इनके अलाई हैं। नेशनल असेंबली में भी जो बिल इलेक्शन एक्ट वाला था वो जब पास हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 172 चाहिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए, ये 163 पे है। फाटा वाले इनसे नाराज बैठे हैं, वो जो मर्जर चाहते हैं पीपल्स पार्टी के क्या कंसर्न है ताज अजीज की, बुखारी साहब आपकी पार्टी के क्या कंसर्न हैं? मेरी अर्थ तो सुन ले ना, मेरी अर्थ तो सुन ले कि बात यह है कि हम इसको बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, हम चाहते हैं, हमने शुरू में कौमी असेंबली में कहा था उसको सीसीआई में जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो सीसीआई वाली तो हुकूमत ने मानी, सीसीआई का इजलास बुलाया। डॉक्टर साहब मैं लीडर ऑफ हाउस भी रहा हूँ इस अपर हाउस का, जी जी, लेजिस्लेशन के बारे में इश्यूज आते थे तो कोऑर्डिनेशन होती थी बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। कह सकते हो कि गवर्नमेंट प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं ले रही, वहां पे हाउस ऑफ फेडरेशन में जितने पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट प्रोविंसेस से है ये उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे और बिल टेबल करने की पोजिशन ही नहीं आती, ये स्ट्रेंथ ही नजर नहीं आ रही होती, तो ये सारी कोताहियां। और ख्वाजा साद रफीक तो आज कह रहे थे कि अगर इलेक्शन नहीं हुए वक्त पर तो जिम्मेदारी फिर सारी आसिफ अली जरदारी साहब की होगी, कथन गलत है। ये देखें ये फेडरेशन है और अपर हाउस रिप्रेजेंट करता है सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को और इसीलिए अपर हाउस बनाया गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फेडरेटिंग यूनिट्स को मिले। आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये मैनेज करें, ये क्यों फाटा वाले क्यों नाराज हैं इनसे, 8 सेनेटर हैं ये क्यों नहीं, वहां पे एएनपी बैठी है वो मर्जर चाहती है, वहां पे पीटीआई बैठी है वो मर्जर चाहती है, पार्टी बैठी है वो मर, ये सिर्फ मौलाना को और अचरजई साहब को खुश करना चाहती है। सो बुखारी साहब बात लंबी हो रही है लेकिन फिर मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन वही है कि फाटा को पहले मर्ज किया जाए फिर आईनी तरमीम पे वोटिंग होगी। हमारी मौकफ यह है कि फेडरेशन के जो यूनिट्स रिप्रेजेंटेटिव है सेनेट में उनको ऑन बोर्ड ले और उनको ऑन बोर्ड लेके पार्लियामेंट्री लीडर्स इनके और लीडर ऑफ द हाउस अप्रोच करें दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स को। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा ना, प्राइम मिनिस्टर ने खुर्शीद शाह साहब को कहा जाकर मुलाकात में कि वो मिलना चाहते हैं आपकी लीडरशिप से। देखिए तो हमारे लीडर ने क्या दिया ना कि ये इश्यूज डिसाइड करें पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ, इसी नुक्ते पर रहेगा मियां साहब। बात तो वही आ गई मियां साहब जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी मियां जावेद लतीफ साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा क्लू दे दिया कि भाई जाएं आप हमारी पार्लियामानी लीडरशिप से बात करें। मेरी गुजारिश सुन लें जी जी कि इनकी पार्लियामेंट्री जो लीडर हैं तमाम जमातों के सबसे फर्दर सबसे बात हुई है, मगर ये अपना सिर्फ बता दें कि अगर ये फाटा की बात तो करते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून के पास मेजॉरिटी होती तो शायद आज सूरत हाल और होती, लेकिन सेनेट में क्योंकि अक्सरियत इनके पास है तो हम इनसे बारहा गुजारिश कर रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लीग का बिल है अगर कोई हुकूमत का बिल है उससे बिल्कुल आपका इख्तियार है, आजाद है जो मर्जी आप राय अपनाएं, मगर ये तो एक पूरी कंट्री का बिल है, पूरे निजाम के लिए उसकी मजबूती के लिए उसको आगे चलाने के लिए एक बिल है, उस पर जितना टेक है मुस्लिम लीग का उतना पीपल्स पार्टी का भी है और हम पीपल्स पार्टी से तो इसलिए ज्यादा रखते हैं कि इसको पता है कि आमरियत के खिलाफ जब ये इन्होंने बारहा जद्दोजहद की है, ठीक है पीटीआई से हमें कोई गिला नहीं है क्योंकि पीटीआई ने तो निजाम के लिए कभी जद्दोजहद नहीं की, पीपल्स पार्टी को तो हम इसलिए बारहा कह रहे हैं भले हमसे ना मिलें, आप ये कहते हैं कि पार्लियामानी लीडर से मिले हम पार्लियामानी लीडर को इख्तियार दे दें हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, ये किसी भी
थर्ड पर्सन को कह दें कि ये बातचीत करेगा, भाई बातचीत करने का तो तब सवाल पैदा होता था अगर पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर ना होता, तमाम बातें कंसेंसस से होके तो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। अब अपर फोरम पर जो बिल पे पड़ा हुआ है, अगर आप हाजिरी पूरी नहीं करेंगे तो कैसे ये पास होगा? अपनी हाजिरी पूरी इसी नुक्ते पर रहेगा। वो कहते हैं कि अपोजिशन मियां साहब मेरी यार सुन ले आप, कि हमारे 27 सेनेटर्स हैं और बाकी अपोजिशन की पार्टीज हैं, आपके पास भी 26 है, आपके अपने अलाइज भी नहीं आते और आपके अपने मेंबर्स भी नहीं आते। हाँ। फिर मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अपर हाउस का ऑब्जेक्ट क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर रखने का ऑब्जेक्ट क्या था, कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस, ताकि जो प्रोविंसेस की रिजर्वेशन हो उनको एड्रेस किया जा सके, फेडरेटिंग यूनिट्स की जो ग्रीवेंसेज हो उनको एड्रेस किया जा सके। इसलिए ये अपर हाउस था, आप अपर हाउस की अहमियत को नहीं समझ पा रहे। वहाँ पे तो आप 148 पंजाब वाले बैठे हैं, बाकी सूबों को चीजों को बुलडोज कर देते हैं। आप हमने इख्तियार दिया अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स को, वो आपसे नेगोशिएट करें और आप उनके साथ मामला तय कर लें, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, मगर मैं अर्ज कर दूं कि ये सारी चीजें तो ड्रेस हो चुकी पार्लियामेंटरी लीडर के दरमियान जब पार्लियामेंट में ये पेश किया जा रहा था, अब दोबारा कौन सी ऐसी बात आ गई? अगर ये सारे इश्यूज मगर हो ये रहा है, आपको ये दुश्वारी ना होती, आपको ये सूरत आप देखनी ना पड़ती अपने लीडर शायद। मैं शिबली फराज साहब की आपको सुन लें, आप राजा साहब एक सेकंड, मैं इनकी ओपिनियन ले लूं फिर आप रिस्पॉन्ड कर देना। ये भी अपोजिशन के हैं शिबली फराज साहब, वो तो कह रहे हैं कि सारी जमातों का इंटरेस्ट है, पूरे मुल्क की जमहूरियत का इंटरेस्ट है, ये सिर्फ बिल मुस्लिम लीग नून का नहीं है, आप भी आए, पीपल्स पार्टी भी आए। वो कहते हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स को हमने अप्रोच किया है, फिर क्यों नहीं बिल पास हो रहा? आपके सेनेटर्स भी नहीं, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग के तो खैर अपने भी नहीं आ रहे। ये असल चीज यही है कि हम तो गए हुए थे, हम आज भी हम मौजूद थे, हमारे सेनेटर्स मौजूद थे, पिछले दिनों में मौजूद थे। बात यह है कि इनकी अपनी आज पूरी इनकी जो एलाइज हैं और ये हैं 11 लोग थे। आप मुझे बताएं, सिर्फ इनका तो नहीं है ना, ओहो 70 चाहिए, 69 लोग चाहिए। अगर आप 69 की तादाद पूरा नहीं करेंगे तो चाहे सबकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो जब तक वो होंगे नहीं तो वो नहीं हो सकता, कोरम ही नहीं बनता, 2/3 चाहिए। वो जब होंगे नहीं और इनकी पार्टी के नहीं होंगे तो फिर उसमें हम किससे गिला करें? और दूसरी बात, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि ये देखें ये फेडरेशन है, एक तो ये है कि इसका अपना एक वो है, तरजीहात हैं और इनको जो न्यूमेरिकल एडवांटेज जो कि बुलडोज करते हैं ये वहां पे कौमी असेंबली में, जिस तरह ये कई इतने अहम तरीन बिल है, वो तो आइन का हिस्सा है ना, अगर 148 पंजाब की सीटें हैं तो आइन में दर्ज की गई है ना, वो आइन में दर्ज है लेकिन वो एक पार्टी की मेजोरिटी है ना वहां पे, इसलिए वो करा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह कहा गया है कि हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, सिंध के अपने तहफ़ुज़ात हैं सेंसस के बारे में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के बारे में हमारे वो हैं, तो इस चीज़ पे तो ये करें ना, क्योंकि जिस तरह के बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिर्फ उन्होंने फजल रहमान को और मौलाना फजल रहमान को और अचकज़ई साहब को वो करने खुश करने के लिए इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और फाटा so मैं आपकी बात से भी यही समझूं कि चूंकि फाटा मर्ज नहीं हो रहा तो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि पहले फाटा जी मियां साहब, ये मसला नहीं है तो और क्या है, गुजारिश ये है तो फिर क्या मसला है? ये पंजाब की मैं अर्ज करता हूं, पंजाब की बात करते हैं, सेंसिस पे बात करते हैं, तो भाई इस नुकसान तो पंजाब की सीटों का हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमें हो रहा है, हम तो कुर्बानी दे रहे हैं कि किसी तौर पर भी ये निजाम, हमें भी तहफात हैं सेंसिस पर और उसका इजहार हमने किया, मीटिंग में किया, लेकिन इसके बावजूद हम मान रहे हैं कि इसलिए कि ये निजाम चलता रहे और वक्त पर इंतखाबात हो जाए। जहां तक इनका ये कहना है कि ये खुश कर रहे हैं अचकज़ई साहब को, ये खुश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, तो मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश कर दूं कि खुदा के लिए आप अगर इस निजाम पर यकीन रखते हैं तो फिर किसी को खुश करने की, जो मैं पहले भी जुमला बोल चुका हूं, आज शायद मैं मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि अब भी मैं तो रखता हूं
कि तमाम जमातें इस निजाम के लिए इस बिल को पास करेंगी। मैं यही कहूंगा कि इसको डिले जो है, इसका डिले किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, जमहूरियत के मफाद में नहीं होगा, और जो जो कुछ इसमें शेयर कर रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे, सबको चीजें नजर आ जाएंगी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसी नुक्ते पर रहिए मियां साहब, मियां साहब इधर ही है, इसी नुक्ते पर रहिए। बुखारी साहब, मियां जावेद लतीफ साहब पिछले कमेंट में कह रहे थे कि आप अपनी पार्लियामानी लीडरशिप को एम्पावर कर दें, किसी को नामजद कर लें, हुकूमत जाके बात कर लेगी उनसे। देखिए जी, हमारे वहां पे इत्तेहाद हसन लीडर की पोजीशन है, ताज अजहर साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर है, उनसे बात करें, हमारे चेयरमैन ने उनको इख्तियार दिया हुआ है कि वो पार्लियामेंट में उनको इख्तियार दे दें, उनसे बात कर लेते हैं। इख्तियार दिया हुआ है, हमने इख्तियार दिया हुआ है उनको। वो कहते हैं जरदारी साहब से बात करें। नहीं जी, मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इख्तियार हमारे लीडर अपोजिशन जो इत्तेहाद हसन है उसको हमने दिया हुआ है। मियां साहब, बुखारी साहब आपको बहुत बड़ा क्लू दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि आप ताज हैदर साहब से, चौधरी इत्तेहाद हसन साहब से हुकूमत जाके बात करे, उनको इख्तियार दिया हुआ है, अभी आप यही डिमांड कर रहे थे। यार प्राचा साहब, मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जरदारी साहब से कोई लेना देना नहीं है। जरदारी साहब का अपना सोच है, मंशूर है जमात का, वो जमात के हेड है, उन्होंने कोई परफॉर्म किया, हमने किया है या नहीं किया, हम पर जो इल्जामात हैं ये सारे के सारे ड्रेस हो जाएंगे जब इंतखाबात होंगे। बहुत शुक्रिया मियां साहब, तो ये इनकी खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इनकी खिदमत में ये जी ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस बिल को अना का मसला या किसी को खुश करने के लिए ना करें, इस बिल को पास होने दें। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेनेटर शिबली फराक साहब, आपका शुक्रिया। नादरीन, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अभी फरमा रहे थे, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, के ताज हैदर साहब पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, और चौधरी इत्तेहाद हसन वहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हुकूमत चाहे तो उनसे राबता कर सके। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही क्लू दिया था, हो सकता है ये रवाबत किसी तरह मुल्क में जमहूरियत के तसलसल के लिए काम आ जाए और अपोजिशन की रिजर्वेशन खत्म हो जाए, हल्का बंदियों का आईनी तरमीमी बिल सेनेट से पास हो सके। अपने मेजबान शौकत पराचा को रूबरू प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।